हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनुप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको। ये है आपका पेपर राजस्थान का। राजस्थान के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से एक पेपर आयोजित किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया है। ये एग्ज़ाम आपका बेसिकली 19 मार्च 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। तो इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस हैं। हम इस पार्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो GS के क्वेश्चंस हैं आपके जनरल स्टडीज़ के, ठीक है, या GS आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं GK के क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को इस पार्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक है। जो लास्ट के 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, हम उन 50 क्वेश्चंस को बेसिकली उनके आंसर्स को इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द पेपर ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट फॉर द LDC पोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया गया था दैट इज पांचवाल को, ठीक है, साइरस पांचवाल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था संयोगिता, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन। फिर हम आगे बढ़ते हैं 103 की तरफ। तो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले में से संबंधित है, यह है सवाई माधोपुर से, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों में मिलती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 104 का, वो होगा पाली जिला, ठीक है, पाली। जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बना है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा शहबाज शरीफ, ठीक है, शहबाज शरीफ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 106 नंबर क्वेश्चन की। तो 106 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिले में के समूह में पाई जाती है, बेसिकली किन जिलों में पाई जाती है ये सॉइल। ये आपकी पाई जाती है कोटा और बूंदी जिले में, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था धरना शाह ने, दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये कहा जाता है बेसिकली दैट इज द बेणेश्वर मेला, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। तो 110 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे खड़ताल निम्न में से क्या है। देखिए खड़ताल क्या होता है, खड़ताल होता है एक वाद्य यंत्र होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए 111 नंबर एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको सूची गई है, बांध दिए गए हैं और ये किन जिलों में है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर हम बात करें तो ईशरदा बांध जो है, ईशरदा बांध आपका ये देखने को मिलता है दैट इज इन सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो मतलब अ का हो गया ग, अ का ग दैट इज आपका एक ही जगह पर बन रहा है, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा 111 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे हम कहते हैं, इसका मुख्यालय हेग में है, दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है, तो ये खोला गया है आपका कर्नाटक के अंदर, ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की। तो 114 में पूछा गया है अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित है। देखिए अरावली जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 114 नंबर प्रश्न, दैट इज इन गुजरात के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय
जुमरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था इन द रोहट के अंदर, रोहट। ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 116 नंबर में पूछा गया है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर क्या होगा 116 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं 117 नंबर क्वेश्चन की। तो 117 में आपसे पूछा गया है पाक जल डमरू डमरू मध्य किन दो देशों के बीच की एक मध्य स्थिति है। बेसिकली ये कोलैबोरेशन बेसिकली देखने को मिलता है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ऑप्शन थ्री यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हो गया, वो किस वाद्य यंत्र को बजाया करते थे? ये बजाते थे संतूर को। दैट इज ऑप्शन टू यहाँ पर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? तो 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जस्ट अ मिनट, 119 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द मेवात। ऑप्शन नंबर थ्री यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 120 नंबर क्वेश्चन की। तो यहां पर पूछा गया है कि दुधवा खार किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बेसिकली राजस्थान के किस इलाके से संबंधित है ये पूछा है। तो ये आपका बीकानेर से संबंधित है, ऑप्शन टू होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में निम्नलिखित में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है? तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जिप्सम देखने को मिलता है, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीथल और पाथल किस कवि की रचना है? तो ये जो रचनाएं हैं ये हैं आपकी कन्हैयालाल सेठिया की, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दैट इज इन कहाँ गया आपका काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका 123 नंबर करेक्ट आंसर होगा आसाम। ठीक है, अग्निपथ स्कीम जो है वो किससे संबंधित है? ये सेना में भर्ती से संबंधित है, दैट इज ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा यहाँ पर 124 नंबर प्रश्न का उत्तर। आगे हम बात करते हैं 125 नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत में प्रथम 2400 घंटे और सातों दिन मतलब 24x7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है बेसिकली मुढ़ेरा को। ये कब कहाँ पर है? मुढ़ेरा गुजरात के अंदर है, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 की बात करें तो किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है? तो 126 का करेक्ट आंसर होगा राजस्थान के अंदर, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 126। 127 पर आते हैं। तो 127 में पूछा गया है आपसे कि गिरिहीड़ कोयला खदान जो है ये आपका कहाँ पर है स्थित? ये आपको देखने को मिलती है खदान इन झारखंड के अंदर। ठीक है, ऑप्शन टू यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है डिजी लॉकर, दैट इज 128 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध किस जिले से है? देखिए मानगढ़ धाम जो है वो किस जिले से संबंधित है ये पूछा गया है। तो 129 नंबर प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर होगा बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर टू। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो इसकी कप्तान जो थी वो थी शेफाली वर्मा, दैट इज ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलीदापुर और सीकर बेसिकली में कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है पाइराइट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 132 की। तो 132 में पूछा गया है जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी जहांगीर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर टू हो या सॉरी जहांगीर ने ये उपाधि दी थी शाहजहां ने। ठीक है, ऑप्शन थ्री होगा, ऑप्शन टू नहीं होगा, ऑप्शन थ्री होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर शाहजहां। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 के तरफ। तो सभी गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जाग
ये जो आपकी उक्त मतलब लाइनें लिखी गई हैं ये किस किले के बारे में प्रसिद्ध उक्तियां हैं, बेसिकली ये पूछा गया है। तो किस किले के बारे में इस पंक्तियों में बताया गया है, पूछा गया है, तो ये है लोहगढ़ का किला, बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए चंबल की जो सहायक नदी है वो है बनास, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे 135 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो 135 नंबर क्वेश्चन में है, वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? तो कार्यपालिका के जो प्रमुख हैं वो कौन है? कलराज मिश्र, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 3 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कार्यपालिका पूछा है एग्जीक्यूटिव। भारतीय फिल्म RRR के गीत जो नाटू नाटू है उसको प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? इसे मिला है आपका दैट इज 1 मिनट, ऑस्कर कहते हैं बेसिकली, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, 136 का होगा, गोल्डन ग्लोब बेसिकली कहा जाएगा इसे। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इंग्लिश में इसे ऑस्कर अवार्ड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो 136 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर हम बात करते हैं 137 की, तो यहाँ पर आपसे पूछा अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर से संबंधित है बेसिकली? तो अजमेर की दरगाह जो है ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती के नाम से प्रसिद्ध है। 137 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर हम बात करते हैं 138 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी जो है बेसिकली घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है दैट इज द चार्ल्स तृतीय को, चार्ल्स थर्ड, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के किस स्थान से जियो का की 5G सेवा जो है वो आरंभ की गई है? जियो की 5G सेवा जो है वो दैट इज इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक जयपुर होगा या उदयपुर, थोड़ा सा मुझे डाउट है इनमें से, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ अभी। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए ये करवाया था बरसिंह हांडा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 141 नंबर क्वेश्चन की, तो भारत के वर्तमान में चीफ डिफेंस CDS बेसिकली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये हैं आपके जनरल अनिल चौहान, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं? तो ये राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड की, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 142 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की, तो इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं रखता है? तो देखिए यहाँ पर जो एक संबंधित नहीं रखता है राजस्थान से, घूमर, झूमर नहीं होगा, देखो घूमर राजस्थान का है, गैर है, देखिए फोर्थ ऑप्शन होगा घूमर, झूमर नॉट घूमर, दैट इज झूमर, ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 143। देन हम बात करते हैं 144 की, तो राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे ये पूछा गया है? तो यहाँ पर प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 145 की, तो बाणेश्वर का मेला लगता है ये कहाँ लगता है, मतलब किस डेट में लगता है? तो ये लगता है माघ पूर्णिमा को, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। 146 की बात करें, आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो दिस वॉज एस्टेब्लिश एट द अजमेर, अजमेर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 146 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की, तो 147 में आपसे पूछा गया भारत में सबसे पहला सूर्यास्त कहाँ होता है? तो देखिए सबसे पहला सूर्यास्त पूछा गया, ना कि सूर्योदय। ठीक है, तो सूर्यास्त आपका सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जहां पर सबसे पहले उगेगा वहीं सबसे पहले डूबेगा। भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा कहां पर, केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, जरवा जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी जनजाति पाई जाती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर। राजस्थान राज्य खाद्य एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो ये एस्टेब्लिशमेंट होती है यहाँ पर 1974। ठीक है, सो दिस इज द पेपर सॉल्यूशन आंसर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट का जो पेपर था और उसमें पोस्ट थी एलडीसी की, और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है 19 मार्च 2023 को। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो जीएस और जीके के जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को पर्टिकुलरली डिस्कस किया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 150 तक है। और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।